हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 12 बिजनेस स्टडीज चैप्टर 4 प्लानिंग का लेक्चर नंबर 3। आज के लेक्चर में जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो होगा प्लानिंग प्रोसेस, कि प्लानिंग का प्रोसेस क्या है, कौन कौन से स्टेप्स इस प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं। तो चलिए बिना देरी के अपने आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेप होता है सेटिंग ऑब्जेक्टिव, डेवलपिंग प्रमिसेस, identifying alternative, evaluating alternative, selecting from the alternative, implementation, follow-up action. ये 7 step हैं जो हर planning process में involve होते हैं, जो हर organization के planning process में involve होते हैं, चाहे छोटी small scale enterprise हो, चाहे वो large scale enterprise हो। तो चलिए पढ़ते हैं कि इन सब में क्या क्या steps लिए जाते हैं, क्या क्या action होता है जो एक manager लेता है। फर्स्ट है सेटिंग ऑब्जेक्टिव। सेटिंग ऑब्जेक्टिव का मतलब है कि ऑब्जेक्टिव को सेट करना, सेट स्टैंडर्ड भी आप इसको बोल सकते हैं, कि जब स्टैंडर्ड को सेट किया जाता है, कौन सी पॉलिसीज है, प्रोसीजर्स है, मेथड्स हैं, सारे उन सबको जब सिलेक्ट किया जाता है, दैट इज नोन एज सेटिंग ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट आता है डेवलपिंग प्रमिसेस। प्रमिसेस का मतलब होता है अजम्पशन करना, कि जो हमने सेट किया ऑब्जेक्टिव उसी के अकॉर्डिंग हमारा फ्यूचर होगा, और फोरकास्ट करना उन टेक्निक्स को, उन अजम्पशन के बेसिस पे फोरकास्ट करना कि फ्यूचर में ये हो सकता है और हमारा प्लान इस पे इम्प्लीमेंट हम कर सकते हैं। आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शंस। अब जो आपने ऑब्जेक्टिव सेट किए हैं और आपने अजम्पशंस बनाई हैं, उनके अकॉर्डिंग मैनेजर क्या करता है, लिस्ट बनाता है कि कौन कौन से अल्टरनेटिव आइडियाज हैं या प्लान्स हैं आपके पास, जिससे आप ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को आप अचीव कर सकते हो। तो दैट इज आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। जब लिस्ट बना ली उसने डिफरेंट अल्टरनेटिव्स की, उसके बाद इवेल्युएट करते हैं कि कौन सा अल्टरनेटिव बेस्ट होगा हमारे प्लान को एग्जीक्यूट करने में और इवेल्युएट करने में और मैनेजर को सपोर्ट करने में या हमारी कंडीशंस को सपोर्ट करने में। जब इवेल्युएशन हो जाता है तो उसके बाद सिलेक्ट किया जाता है कि कौन सा बेस्ट अल्टरनेटिव है जो हम लोगों को सपोर्ट करेगा हमारे ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में। तो पहले आइडेंटिफाई करेंगे डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स को, डिफरेंट अल्टरनेटिव्स को, फिर उनमें से भी इवेल्युएट करेंगे कौन सा बेस्ट सूटेबल होगा, और उसमें से जो सबसे बेस्ट अल्टरनेटिव होगा उसको क्या किया जाएगा, सिलेक्ट किया जाएगा। तो ये 5 स्टेप हैं अभी तक जो प्लानिंग प्रोसेस में होते हैं। उसके बाद इम्प्लीमेंटिंग द प्लान। अब जब आपने ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया, प्रेमिसेस में आपने प्रेमिसेस को डेवलप कर लिया, फ्यूचर फोरकास्ट कर लिया, आपने अल्टरनेटिव आइडेंटिफाई कर लिया, उसमें से बेस्ट अल्टरनेटिव को क्या कर लिया, सिलेक्ट कर लिया, अब आपने जो प्लान किया है उसको एग्जीक्यूट करना है। ये वो पॉइंट है जहाँ पे जो और डिफरेंट फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट हैं उनको पिक्चर में आना होता है। प्लानिंग हो गया, आप ऑर्गेनाइज करेंगे, स्टाफिंग करेंगे, डायरेक्टिंग करेंगे, कंट्रोलिंग करेंगे, तो उन सबको जब लाइन में सीक्वेंस में लाया जाता है तो प्लानिंग की इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट हो जाती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज फॉलो अप एक्शन। अब जब आपने प्लानिंग एग्जीक्यूट कर दी है, स्टार्ट कर दिया है, तो प्लानिंग क्या है, एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, और हर मैनेजर का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर मैनेजर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी या ड्यूटी है कि वो मॉनिटर करे कि जो प्लान उन लोगों ने बनाया था वो उसी के अकॉर्डिंग इम्प्लीमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा, और फिर उसके बाद से दोबारा से सेटिंग ऑब्जेक्टिव होता है और ये प्रोसेस दोबारा रिपीट होता रहता है। तो ये 7 स्टेप्स हैं जो हर प्लानिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं। आई होप आपको प्लानिंग प्रोसेस अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। हम अपने अगले लेक्चर में सिंगल यूज एंड स्टैंडिंग प्लान्स के टॉपिक को कवर करेंगे। टिल देन स्टे सेफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर वीडियोज़।